राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, वो लग रही दोनों के लाभ पहुंचते साथ खाना खाएंगे। सुन ले ये को लेसन दे रही है। अल्लाह अकबर, उनके कूल पोजेस तो देखो। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरा फैसल एंड उम्मीद है आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट रेडी फॉर द रिसेप्शन। ओके सो दिस इज माई ड्रेस, फटाफट से फाइनल किया कि ये भाई मैं पहन रही हूँ, तो अब रेडी होकर आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब टाइम है अपने ये वाले शूज़ उतार के थोड़े से डिफरेंट शूज़ पहनने का। सो ये राबिया का फुल ड्रेस है, ठीक है, फुल लुक है, और मेरी भी दिखाओ, इट्स माई फुल लुक। राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, वो लग रही है। मैं कही थी आप एक एंगेजमेंट पे यही पहन लेते, आप ही एंगेजमेंट पे, हाँ ये भी अच्छे लग रहे थे। जो आप ही एंगेजमेंट पे पहने थे वो भी इसी ब्रांड से ही थे, नहीं मेरा किसी और से था। इधर आओ, दोनों देखो, हील्स पहनी है तुमने साथ? नहीं पहनी है ना। इट्स लुकिंग, यार मुझे कोई रिंग भी चाहिए। जब हम लोग वहाँ गए थे वो इतनी बड़ी एक रिंग लाई थी मैं, पता है वो वाली पहनते हैं। ठीक है चलो आओ, ठीक है मैं देख लेती हूँ, पकड़ा दो एकदम से रैपिड है ना, ऐसे वो चमको बन के बैठी हुई है कि बस उसको लग रही हूँ। नहीं नहीं गार्ड कर रही, अच्छी लग रही है। चलो ये है मेरा क्लास शो, इसको yes. तुम सबने आज बाल बांधे हुए, मेरे खुले हुए आज बाल, तो खुली जुल्फे, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शाई। लाइट कलर वाले कपड़े, यस क्योंकि मैं सोच रही थी किसी के लेंस घूमे नहीं, मेरे मैं सोच रही थी एंगेजमेंट पे भी यही पहन लेती। तुम सबको आज सबको एंगेजमेंट का ख्याल आ रहा है जी, बिल्कुल। एक मिनट गाइस, हमारी की पिक्चर बना ले सब, आओ अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं यहाँ पे, फोटो सेशन भी सही है। पापा बाहर वेट कर रहे हैं और इन्होंने पहले स्पेशल गाड़ी रखवाई है अंदर पिक्चर्स के लिए। क्या वो पहले पिक्चर्स ले लेना फिर अंदर बैठेंगे, वो कह रही है अलाउ नहीं है। चलो यार जल्दी पिक्चर्स लो, मुझे जगह दे दो, मैंने इधर बैठना है तुम लोगों की जगह पे। मामा कह रही है राबे तेरी आंखें लेंस लग रही है, लेकिन बाद में पता चला उसने एक्चुअल में लेंस लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे मामा जुड़ी तारीफ करते हुए पकड़ी गई है। गाइस एक और सैड न्यूज़ है, 8 बजे इवेंट खत्म हो जाना है और यहाँ पे हम लोग अभी रस्ते में, और 8 बजे में तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, तो हम बहुत हद तक लेट हो चुके हैं। और राबे ये देख रही है कि ये क्या था, ये क्या बोंगी मारी यार, मैं बस पिक्चर्स खिंचाऊंगी और आ जाऊँगी, पिक्चर्स खिंचवाएंगे और खाना शायद बंद हो गया और रोटी रोटी खा ली हो सबने, लगा हो हूं तो बर्तन रख रहे हैं, असी इधर तुम इधर निकलो तो अच्छी वाली बस्ती करा के वापस आएंगे। मेरे साथ ना इस टाइम अभी फातिमा ने प्रैंक किया, मैं पिक्चर, हम तीनों पिक्चर के लिए यूँ होके बैठे और ये इसने पिक्चर ये ली है, फिर आप भी आई नहीं, साफ साफ मुझे काट दिया इसने, मतलब मुझे जैसे एक्स्ट्रा पता क्या बनी है ओके सो हम लोग पहुंच चुके हैं, मामा अभी हमारी फोटोग्राफर बनी हुई थी और फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बस और बस अब बाय, पहुंचते साथ खाना खाएंगे। क्या कह रही है, मेरा डायलॉग यूज किया ना अभी, क्या जो जी कह रहे तो इज्जत कर, दबन दबा वाली गलत खुंजे नहीं है, दबन दबा वाली गलत खुंजे नहीं है, खाना खाएंगे यार। तो बब्बल खाने का महाजरा, तो महाजरा माजरे का मतलब पता है तुम्हें, क्या माजरा था, माजरा माजरा महाजरा, ये क्या माजरा है, मतलब उर्दू आती है ठीक है बट ये नहीं पता मतलब क्या, तो कहीं पे भी फिट कर देनी है हमने। लोगों ने कहा इनकी ठंड नहीं लग रही, क्या फातिमा बाहर निकल के शादी च आई औरत पे बस चले ठीक है, वहाँ आप ही हमारा वेट करिए, तो अब हम लोग अपनी बस्ती लेके उतर रहे हैं। ओके जी गाड़ी लगानी, अभी अभी तो मैंने आप लोग अपनी मम्मी ने दिखी, मम्मी दरवाजा तो खोल दे मेरे लिए, भाग गई है। अब हम लोग आ चुके हैं और मेरी बहने देखना हाथ में हाथ डाल के, अरे यार तुम लोग मुझे भूल गए हो, मम्मा यार मुझे इग्नोर, एक बेटी मिली है दूसरी इग्नोर। मैं यहाँ कह रही हूँ, मैं ना आप लोगों को अपनी मामा की फुल लुक दिखाऊंगी, अम्मा दूसरी बेटी लेके गायब, दिखाई टाइम दे रही, अब मेरी मामा मुझे टाइम देंगे, आपको पता है ना मेरी तबीयत नहीं
एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे, इतनी ठंड है। मैं कह रही हूं जल्दी जल्दी अंदर, ठंड है जल्दी जल्दी अंदर। हां बहुत ठंड है गाइस, सच में बहुत ठंड है। चलें हां, मैं तुम्हारे यहां पे अभी शूट करने नहीं खड़ी, मुझे भी ठंड नहीं लगती, मुझे ठंड नहीं ठंड नहीं लगती, सच में नहीं लगती। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं हम। यार बैठ जाओ कहीं पे प्लीज, मुझे ना इस टाइम मैं थक चुकी हूँ, मेरे से खड़ा नहीं बचा रहा। मैंने 6 फुट की लंबी हील पहनी हुई है, आई डोंट नो मुझे क्या आखर आई थी कि मैंने हील इतनी ऊंची पहनी, क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा सा लंबा था इसलिए। समझ नहीं आ रही पापा ने ब्लशर लगाया है या क्या, इतने रंग तो मेरे चीज नहीं है। नेचुरल तो हमें भी चाहिए ऐसी नेचुरल ब्यूटी। जल्दी उठने वाला और टाइम से जाने वाला जल्दी उठने वाला, मुझे भी यहाँ पे पिंक पिंक चाहिए। पापा के खुद ही गाल गुलाबी हुए हुए हैं। राबिया की बाजू देख के लग रहा है राबिया को ठंड लग रही है। पापा भी टच किया किसी ने तो मुझे वही मैं देख मेरी तुमने एक भी पिक्चर नहीं ली पापा, अब इनकी पिक्चर दो। मैं तुम क्या कह रही है, मम्मा कह रही है मेरे पापा के साथ पिक्चर लेनी है। पापा यहाँ घुमाते रहने में मसरूफ है। हाँ बोले बाद में पता चले हीरा गिरी हुई है और रीजन ज़ैनब है। हमारे फोटो सेशन के बाद यहाँ पे मामा का फोटो सेशन हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं। चले गाइस चले, मामा इधर आए, आपके फुल लुक दिखाऊं, किसी को नहीं मैंने अभी दिखाई, फुल लुक दिखानी है आपकी मैंने। थोड़ा पीछे जाएं, आप सबको तो पता है कि ये मेरी मॉम है और आज ये ऐसी लग रही है गाइस, ये मेरी मॉम है खुद कह रही है। और ये भी कहो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो जी मेरी मॉम आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मेरे पापा आज कुछ एक्स्ट्रा पिंक लग रहे हैं। फातमा फिर अपना कैमरा साफ करते हुए पाई गई है और अब मैंने और फातमा ने कोलैब किया फॉर द पिक्चर्स। अच्छा तुम ना मेरा नाम ही रखो। मैं भी कहूँ मेरे यहाँ कैमरे का रिजल्ट ब्लर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी साफ कर दो थोड़ा सा, नहीं मुंह नहीं लगाना इतने हमें। आगे फैमिली की बनानी है। खाना वगैरह खुल चुका है लेकिन हमारी पिक्चर्स ही पूरी नहीं हो रही हैं, हम लोग इधर लोकेशन ढूंढ रहे हैं, फिर से ठंड है और सारे वहाँ पे खाना खा रहे हैं। मुझे हल्की हल्की तो भूख लगी है, बट हमने सूप पी लिया था तो मैनेज हो गया था। तो यार बड़ा ही मज़े का सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है साद एंड अरूप, कह रही हूँ अरूप, साद एंड अरूप लिखा। गिर गई गिर गई गिर गई। आज मैंने ड्रेस थोड़ा सा ऐसा पहना हुआ है कि मैं कभी भी कहीं भी घिर हेरा तुम्हारी उर्दू को क्या हो गया, मैं कहीं भी गिर सकती हूँ। सो सबने खाना खा लिया है सबने, अब हम पापा के साथ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए स्पेशल यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम मज़े मज़े की कैंडिड पिक्चर्स लेंगे, मैं और राबिया और पापा, पापा के साथ लेंगे ना मैं और ज़ैनब। यार एक तो ज़्यादा बहने हो ना तो मुँह पे नाम सबके चढ़ते, जर पापा
बुलाना हिरा को होता है। सो यस इकरा हिरा पापा गिन रहे हैं मैंने कितने शगुफे पैदा किए हैं, एक दो तीन, इकरा हिरा फातिमा, फातिमा इमरा थी पहले तो इसलिए इकरा रा 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 था, अब फातिमा ने चेंज कर दिया। सब खाना खा चुके हैं मम्मा, मुझे ना पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है, अब कोई सुन ही नहीं रहा क्या लगेगी, मैंने देना नहीं। मम्मा आप इधर भी डांट रही हैं मुझे, कौन लोग किधर गए, थोड़ा सा खा लो। अजीब सी तबीयत हो रही है, ऐसे लग रहा है अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी। दही चावल जैसे उन्होंने शादी में खिचड़ी दही चावल यही रखा है, मम्मा कह रही है दही चावल खा लो। सही है, खुद प्लेटें खाली कर दी मुझे दही चावल खाने का, क्या मामा की भी तबीयत, चावल खाए ये किसने खाया, यही ले लो किसने खाया किसने? जी हमारी प्रिंसेस पापा के लिए चाय, जैनब मेरी चाय नहीं ताज़ा खाना लेके आती ना, ये तो आपने ठंडा कर दिया, वो पड़ा हुआ है कहने खाना नहीं मिलना नहीं पड़ा हुआ खाना एक्स्ट्रा रखा, खुला खुली रोटी सी जैनब, बस चाय चाहिए थोड़ी सी। ओके सो हम अपना खाना ले आए हैं, ठीक है थोड़ा सा लाए हैं, उसमें भी मेरी मम्मा चुर चुर करके खा रही है। मम्मा बच्चों को भी कुछ खाने दे, मेरे पहले इतनी सी प्लेट में थोड़ा सा डाला। मम्मा प्रेज कर रही है, मम्मा प्रेज कर रही है बच्चों का खाना खा के, अपना नहीं खाना सिर्फ बच्चों का खाना। क्या ये क्या था, मुझे लगा था ये सूप था, अच्छा चाउमीन था, मुझे लगा ये सूप है, मैं चावलों पर डाल रही हूँ। पाकिस्तानी आवाम कोई भी कॉम्बो बना के खा सकती है, मैंने तो एक दिन बिरयानी के साथ पिज्ज़ा मिक्स करके खाया था और बिलीव मी इट वॉज वेरी डिलीशियस। रवे चलो यार पिक्चर्स नहीं लेनी है, मुझे स्पेशली डकी और रूप के साथ लेनी है वहाँ पे, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया उनके साथ। सर सीधा अभी रश लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया यहाँ पे, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी, रूप बिजी है। फातिमा को देखना सर अपनी पहली जगह निश्चित सेट कर ली है ताकि पिक्चर्स उसकी आ जाएँ, हमने अपने वीडियो भी बना लिए, पिक्चर्स भी बना लिए, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम पिक्चर्स का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, मिलना मिलाना चल रहा है। क्या कह रही हो, मैं कह रही हूँ मैं ग्रुप आएगा तब, तुम्हारा बैग गुम गया है, आई डोंट नो वेयर गुम गया, उधर रखा था वहाँ पे था बैग मेरा, तो मेरे हाथ में है भाई, हालांकि अंदर है कुछ भी नहीं, खाली है बैग, बट फिर भी यार इतनी पिक्चर्स लेने के बाद अभी भी तुम लोगों को पिक्चर्स चाहिए, सीरियसली मुझे फाइनली फ्री हो गए हैं, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे, मुझे पिक्चर्स लेनी है, जब आप दोनों करोगे ना हमें भी आपका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो, तब बिजी रूटीन हो जाती है, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, सुन ले ये बच्चियों को लेसन देनी है, क्या जल्दी जल्दी दुल्हन बने ताकि आपको पता चले कि इंसान की लाइफ कितनी बिजी होती है, सबसे मुश्किल है टफ काम है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने भी कल ये किया हुआ था यार, हम लोगों ने वो पिक्चर लेनी है मुझे इंस्टाग्राम के लिए सबके और डकी के साथ भी, थैंक यू सीरियसली दोबारा बोलना, थैंक यू। एक ही दफा पहने और मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने ट्राई भी नहीं किया ऐसे पहने, एडजस्ट कर करके फिर पहने, हाँ लेकिन बहुत, फिर मैंने कैरी किया, मैंने कहा हीरा तुम मॉडल किस चीज़ की हो जब कोई ड्रेस ही नहीं पहन सकती। तो फाइनली हमारे ग्रूम आ चुके हैं, अब हम लोग इनके साथ लेंगे पिक्चर, लेंगे पिक्चर, लेंगे आज जो पिक्चर लेंगे, हाँ 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 करो 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 यार, मैंने सोचा है मामा पापा इधर बैठे हैं, आ जाओ मैंने पहले दोनों को कितनी बदतमीज़, उन्होंने लाइट्स बंद कर दी है, रुको एक सेकंड, उन्होंने लाइट्स बंद कर दी है, एक सेकंड यहां पे फोटोग्राफी पिक्चर लेने घर जाओ, उन्होंने लाइट्स बंद कर दी है, कूल पिक्चर आएगी, कूल वाली मेरी प्लीज है, कूल पिक्चर अब मेरी वाली पिक्चर, उसकी ठंडी पिक्चर ले लो ना, बस कर दो अब मेरी बारी, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम लोग कूल पिक्चर लेने वाले हैं, घड़ी ओए तुम कब से कहां थी, मैंने तुम्हें इतने टाइम से देखा नहीं मम्मा, इतने फोन में जब कराती गिर जाएंगे मैं, ये मुझे दे दो, ये मैं क्या नाम है पिक्चर दे रही थी, बहुत अच्छी मेरी पिक्चर रही है आपसे, तो बहुत शॉट आउट दे रही हूं जैनब को, अरे लड़के ने आई लव योर ड्रेस, मैंने मार रहा था तुम पे जो भी था, चलो मैं कॉल ही था, खुद ही कह रही है लड़के ने कहा, मैंने कहा एक लड़की ने कहा बेटी थी कैसे, ओके चलो पिक्चर्स ले यार, मेरे वाली स्पेशल एक पिक्चर है वो नाना ली, तो मैंने नाराज हो जाना सबसे, तो अब हम पार्ट बनने लगे हैं इस फैमिली फोटो का, आई एम द मिसिंग वन, तो अब हम बैठेंगे इस, आप साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, आप साथ आ जाओ, आप अड़ उड़ जाओ, आप इधर अड़ उड़ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, मैं सेंटर में बैठूंगी, इधर सेंटर में कोई भी नहीं बैठा, मेरे कपड़े जमीन पे बैठने वाले नहीं है, डंग 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 डंग
यहाँ पे लफाफे बटोरे जा रहे हैं, ठीक है। देखो चोर बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी आप मेरा व्लॉग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा आपकी अगर मिठाई में से कहीं से किसी ने टुका हुआ तो वो ये किसी की मिठाई है, हमारे घर का चूहा। क्या कह रही है ना, इतना कोई क्रश है ना कि वो खड़ी हुई है। पिक्चर के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद पिक्चर खिंचवा रही है। फिर आप देखो कूल वाली पिक्चर चाहिए, कूल। अल्लाह अकबर, उनके कूल पोजेस तो देखो। कूल ऐसे ले, आपने नहीं हमारे साथ जाना, पापा तो जा रहे हैं। मम्मा ने पिक्चर लेनी है। मैं चीटर लग रही हूँ, फातिमा की है पहन के। उसने अभी पिक्चर लिया है, हाँ लग रही है। राहुल इज अच्छी, अच्छी लग रही है। और पापा को इसने पड़ी हुई है जल्दी घर जाने की, कि शायद फॉग वॉग ना पड़ जाए। और हम लोग अब मेरी वो है, सोलो है, कूल पिक्चर्स वाली है। औरतों ने तो सुनना नहीं आते, हमेशा वही करेंगी जो उन्होंने करना है। आप जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस दे लो, बट हम वही करेंगे जो हमने करना है। साफ सी बात है। चलो बच्चों घर आ गया, उतरो शाबाश, जल्दी जल्दी एक एक करके उतरो। या छोड़ो, तुमने अभी अपने शूज पहनने हैं। मैं इस साइड से उतर जाऊँ क्या? मेरा तो मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया। मुझे भी यही लग रहा है, इतनी ज्यादा पता नहीं क्यों। एक तो एक शदीद ठंड और एक शदीद गर्मी में कुछ नहीं होता। निकलो उई माँ, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये मैडम अपनी जूती संवारते, इसने अपनी हील्स चेंज कर ली है। यार मेरी भी हील्स चेंज कर दो, मैं इधर तो ऐसे गिर जाऊँगी। मेरे लिए दरवाज़ा खुला रख दी है फातिमा, इतना हड्डी जितना दरवाज़ा है ये। आप मेरी लुक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नजर ही नहीं है। नहीं पहले ये बताओ, ये तुम चूहे के मुँह वाले जूते क्यों पहन रही थी? यार जैसा था हाइट लंबी हो रही थी। मैं नहीं कहा, शायद कह रहा है जैसा मैं खुद हूँ वैसा ही जूता पहनूंगा ना, जैसे चूहा हूँ। पाँव ठीक नहीं, ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं किसी पहाड़ पे खड़ी हूँ, इतनी लंबी हील पहन के। मम्मा को देखना सोच में पड़ी है कि उन्हें सूट लाना पड़ेगा मैनू। मैं तो एडी तैयार होके गई सा। क्या देख रही हूँ, सास बन के किसको देख रही है? जैनब को। इन्हें सूट तो बड़ा सोना पाया। मैं ऊपर जा रही हूँ और ये जो गन फेंका हुआ है ना जमीन पे, ये सब उठाए चले। अब तो चला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो आप अब भूल जाते हो, आपको कहीं दर्द भी हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा हील्स में। आप स्ले स्ले होके चलते हो, बट अब घर आना तो बुढ़े बाबों की तरह चल रही हूँ मैं। उतार के गई थी वो कपड़े ऊपर। तो चलो आ जाओ, तुमने हर जगह मेरे पीछे पीछे ही आना जी। मम्मा हाँ तो फेंकते जाए जमीन पे, हमारा वैसे यही काम है। हाँ ठीक है, एक जगह पे सेट करके रख देंगे। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये कोई ब्राइड जा रही है और ये उसका पीछे से वो थे। शिट, मैं गिर सकती थी। इतनी जोर से मुझे सीढ़ी लगी है, सीटी लगी है।
तू बना ले व्लॉग हीरा बाय।